से कबल मैं कामरान अरशद साहब की तरफ जाऊँ, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जनाब अरशद अब्बासी साहब जी प्लीज़। अभी शायद ने बड़ी बात की है कि जी आपको के टर्मिनेट हुए थे जीएम, लेकिन मैं एक बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि 99 में वापना वर्सेस आपको एक केस के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, ज़रा वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि वहाँ जाके हम केस कैसे हारे थे। तब भी तो उसके बाद आईपीपी जवान हो गई, उनके मसल जो क्यों हारे थे, कैसे हारे थे, ये जैसे भी वर्ल्ड कप आ रहे हैं। अब मैं आगे डिटेल में इसमें यानी इसमें मैच फिक्सिंग का कोई तलक नहीं। एक और बात, हमारे ये उस्ताद में है पेट्रोलियम के, और मजे की बात ये कि 2015 में ऐसे शौक चढ़ा कि मैंने शेल गैस पर रिपोर्ट लिख दी, वो अमेरिका से फ़ोन आ गया जी आप यहाँ पर ट्रेनिंग पर आए। मैं 6 माह की ट्रेनिंग भी करके आ गया। असल उसमें इशू ये था, आज तक 2 पेज की शेल गैस पॉलिसी मैंने अनाउंस नहीं की। पॉलिसी यानी हमारा पैसा नहीं लगना, हमने ये कहना है आए ना अबलिंग इन्वायरमेंट है, आप लोग जो बात कर रहे हैं आए आपके निकालें, वो हम आज तक नहीं कर सके। उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, इतने बड़े फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, फार्मासिस्ट भाई साहब क्या क्या कहते हैं आप जानते हैं, मेरे भी दोस्त हैं आपके भी दोस्त हैं, हम उन्हें कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवाई इसकी निकालें, आप माशाल्लाह पेट्रोलियम के मिनिस्टर पहले भी हैं अब भी हैं, वो कहते हैं यार कर लेंगे जल्दी कौन सी है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मुसद्दम मलिक की, ये ट्रेजेडी ऑफ द कंट्री है। आपकी बात हुई उनसे या किसकी बात हुई मुसद्दम? ये अक्सर बात तो होती रहती है, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। बट उन्होंने शेल गैस की पॉलिसी 2 पेजेस की इंडिया की है, सिर्फ आपने ब्लॉक अलॉट करने हैं कि ये गुलबर्ग में ये एरिया इसका ये इसका, आपका पैसा नहीं लगना। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, आपके सामने टाइकून बैठे हैं। इंडस्ट्री होती है वो थ्रेटेंड आप बता रहे हैं, तो क्या उसकी क्या कैफियत है और क्या खबरें हैं कामरान अरशद साहब? कामरान साहब उसमें ये ऐड कर लीजिएगा, ये क्या ये खबर दुरुस्त है कि पहले तो बांग्लादेश शिफ्ट हुई थी टेक्सटाइल, अब बहुत सारी इंडस्ट्री अफगानिस्तान शिफ्ट हो रही है, इज इट ट्रू? सर अफगानिस्तान ही शिफ्ट हो रही है लेकिन इंडस्ट्री बंद हो रही है और रैपिड मशीन्स लेके रैपिड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से मुराद ही है बहुत सारे लोग अपनी मिलें अपनी फैक्ट्रियां अपना इक्विपमेंट लोहे के भाव बेच के सामान पैक करके या तो दुबई जा रहे हैं या फिर वो वही पैसा बैंक में रख के एक साल के लिए फिक्स करा के 17-18% सारे टैक्स कट कटौतियों के बाद ले रहे हैं। रुझान इस तरफ चल पड़ा। इस पे रोशनी डालने से पहले मैं जिस तरह सर ने बात की बड़ी अच्छी बात की पेट्रोलियम सेक्टर नवाब अकबर बुगटी की, तो चूंकि पेट्रोलियम सेक्टरी भी रहे तो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग ऑन लेस्को बोर्ड फ्रॉम 2010 से 2016 तक, एंड उस पे एक बड़े रिनाउंड ब्यूरोक्रेट थे जावेद हुसैन साहब, वो एमडी एसएनजीपीएल भी रहे एमडी एसएसजीसी भी रहे, द ओनली गैस पर्सन जो दोनों कंपनीज के रहे एमडी। तो स्वी फील्ड आपकी 80 की दिहाई में 1000 MMCFD की फील्ड होती थी, आज वो लेस देन 300 MMCFD की फील्ड रह गई है। पाकिस्तान की कुल रिक्वायरमेंट इस वक्त गैस की 3200 से 3600 MMCFD के दरमियान में है, जिसमें हमारी अपनी प्रोडक्शन ड्विंडल करते 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 1500 से 1800 MMCFD पे हम आ गए। 1200 MMCFD के हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं जो हम महंगी गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड जिस तरह हमारी रैपिड डिटेरियोरेशन हो रही है तो ये 2033 या 34 तक हमारी डोमेस्टिक गैस तकरीबन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि पुरानी फील्ड्स क्लैप्स हो रही हैं नई फील्ड्स आ नहीं रही। सुई का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि नवाब अकबर बुगटी जब तक वो अलाइव थे तो जो भी उधर काम SSGC ने करना होता था उसका खैर मकदम करते थे। मरहूम जावेद हुसैन साहब जब MD SSGC थे जब उधर इलाके में गए तो उन्हें नवाब अकबर बुगटी ने ख़ुद इन्वाइट किया, उनकी दावत की, एंड उन्होंने कहा कि हम इस तरह एक इधर अपने वर्कर्स के लिए स्कूल बनाना चाह रहे हैं, तो नवाब अकबर बुगटी ने उधर खुद स्कूल अलॉट किया। तो कहने का पर्पज़ यह है सर। दूसरी चीज़, आपका बलूचिस्तान
ईरान के अंदर भी है, आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है, तो हाउ कम ईरान जो है इतना बड़ा गैस का प्रोड्यूसर है एंड आपके पास गैस ड्विंडल कर रही है, आप खुद उसको एक्सप्लोर करना नहीं चाह रहे या टैप नहीं करना चाह रहे? इधर 32 या 33 इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनीज होती थी, वो इस वक्त सारी यहाँ से पैक करके जा चुकी हैं। उसके बदले आपकी लोकल ऑयल एंड गैस कंपनीज ने दबा के लाइसेंसेस लिए हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल एंड फर्नेस ऑयल आईपीपीस को लेके बेचना है, एंड जो उन्हें फर्नेस ऑयल बच जाए वो वापस ख़रीदना है, जिसके वो पूरे पैसे सरकार से ले चुके हैं। सो इस चीज़ की कोई सेंस नहीं बनती कि लोकल ऑयल एंड गैस कंपनीज फ्लरिश कर रही हैं, इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के चली गई हैं। आपको रैपिड एक्सप्लोरेशन करनी है। ये आपने जो और इतनी हमने बोंगियाँ मारी हैं, 43,500 मेगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, येट हम रीले सिर्फ 26,000 मेगावाट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप 20 रंग की कमीज़ें ले आए हैं, 5 मुख्तलिफ कलर की शलवारें ले आए हैं, 2 नाले, 1 चप्पल। किस पागल ने या किस अरिस्तों ने प्लानिंग कमीशन से इतनी कैपेसिटी लगने दी एंड उसके आगे उतनी इवैक्यूएशन कैपेसिटी रखी नहीं? साइवाल इलेक्ट्रिक, जो आपने 1200 मेगावाट का कोयले का प्लांट लगाया है, वो दुनिया का पहला ऐसा कोयले का प्लांट है जिसके साथ ना तो कोई कोयले की कान है, एंड अगर वो डे वन से इम्पोर्टेड कोयले पे प्लान हुआ था तो आपको कितने नफलों का स्वाद मिला कि आपने उसे 1200 किलोमीटर कराची पोर्ट से दूर रखा। एक बोगी होती है लोडिंग पे कोयले की, एक होती है अनलोडिंग पे, एंड खाली अप कंट्री डाउन कंट्री कोयला मूव करने की कॉस्ट इस वक्त 7,000 से 8,000 रुपया मन है टन। बिल्कुल है। अच्छा, ये एप्टमा के हवाले से जो बात थी, अगर इनकम हमने बढ़ानी है वो एक्सपोर्ट के थ्रू ही है और तो कुछ भी नहीं है, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन टेक्सटाइल में बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई है, कोई फिगर है कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और आगे मजीद खुदा न खास्ता कितने होने जा रहे हैं? सर, इसका एग्जैक्ट डेटा हमारे पास, जो भी मैं आपको दूंगा ना वो टाइम सेंसिटिव है, जो भी मैं आपको डेटा दूंगा वो पुराना होता जाता है क्योंकि मजीद सनतें बंद होती जा रही हैं, एंड ऐसे ऐसे हमारे पास। मैं एक मशीनरी वाले को जानता हूँ जो यूज मशीनरी का काम करता है, वो पिछले एक साल के अंदर 15 मिलें खरीद चुका है लोहे के भाव, और वो फिर मशीनरी इधर नहीं लगती, वो मशीनरी सारी वो एक्सपोर्ट करके थाईलैंड गोदाम में जाती है, और वहाँ से फिर जब उसे या उसके पार्टनर्स को ऑर्डर आता है वही मशीनरी यहाँ लोहे के भाव बिकी बांग्लादेश में, इधर कबाड़ के भाव जी, और वहाँ मशीनरी की और वहाँ फिर बांग्लादेश या वियतनाम में जाके नैसरे से लगती है, और कुछ मशीनरी यहाँ से अफगानिस्तान भी जाके वहाँ पर भी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो गया बेस्ड ऑन अफगानी कॉटन एंड उज़्बेक कॉटन, एंड उसी का फिर एट सम पॉइंट इन टाइम धागा प्रोडक्ट बन के वापस इसी मुल्क में वाया तुर्कम बॉर्डर आएगा।